बैंगन के भुरते की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह हर तरह की चटनी और आमलेट को भूल जाएंगे। किचन रिकवर में खुश आमदेद, रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा। बैंगन को दरमियान से कट लगा के चेक कर लेंगे कि ख़राब तो नहीं, और बैंगन को हल्की आँच पर तमाम साइडों से इस तरह पकाते हुए इसकी ऊपर वाली जिल्द बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, जल जाएगी। इसके बाद इसकी स्किन अलग कर देनी है और गोदे को आप अलग कर लें। इस स्टेज पर बैंगन अंदर से फुल पक चुका है, फुल टेंडर है, इसको अब मज़ीद गलाने की ज़रूरत नहीं है। एक टिप भी आपसे शेयर करती हूँ कि अक्सर लोग बैंगन की सब्ज़ी में लहसुन इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं इसमें लहसुन इस्तेमाल करूँगी, लेकिन कोट कर नहीं, कटिंग करके। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो बहुत तेज़ खुशबू होती है वो सालन में नहीं आएगी। तेज़ खुशबू हमें फ़िश और चिकन में चाहिए होती है, उसके लिए आप हमेशा कोट कर इस्तेमाल करें। इसके लिए हम टमाटर यूज़ करेंगे। टमाटर एक मीडियम साइज़ का था, और हरी मिर्च है, हरा धनिया है, एक लीमू इस्तेमाल होगा। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल में लहसुन और प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। जैसे लाइट ब्राउन हो जाएगा हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, 2 से 3 चुटकी हल्दी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च ऐड करने के बाद 1.5 से 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे ताकि मिर्च का कच्चापन दूर हो जाए। मसाला अच्छी तरह भुन जाए, प्यार से खुशबू आने लग जाए, तो इसमें बैंगन का गूदा ऐड कर दें। चमचे की या स्पैचले की मदद से आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बैंगन की सब्ज़ी चाहे आलू बैंगन वैसे आप पकाएं या भुरते की शक्ल में पकाएं, ये खट्टे ही अच्छे लगते हैं। इसमें दही ऐड करना ज़रूरी है। 3 से 4 चम्मच दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह भून लेंगे। लास्ट में हरा धनिया डालकर एक लीमू का रस ऐड कर दें। मज़ेदार भुरते का सालन तैयार है। चपाती या नान के साथ सर्व करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।